शांति। आज 19 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकेंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाल्य मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह कांटों का जंगल है, अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्थान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे, फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। यह तो सब जानते हैं कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है, उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही नई बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे, ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर इस परिस्थान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। यह गद्दी बहुत पुरानी है, आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही अपना परिस्थान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो, कैसे? योग बल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी। तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले सीखे थे। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, कल्प पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं, बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर न सके। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ, तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है, ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वह इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम ब्रह्मा वंशी हो, विष्णु वंशी जो राज्य करेंगे वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है, तुम ब्रह्मा वंशी हो, सो फिर देवता बनेंगे। हम सो सूर्य वंशी थे, फिर चंद्र वंशी में गए, फिर वैश्य वंशी शूद्र वंशी बने, अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। इनसे ही फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं, इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो, हर एक मनुष्य मात्र
शिव बाबा का बच्चा भी है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं, मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वह जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरी ग्लानी करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही भारत को हेविन पैराडाइज बनाता हूँ। तुम फिर सर्वव्यापी कहे ग्लानी करते हो, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कल की बात है, तुम ही राज्य करते थे, सोजरा था, आज अंधी आ रहा है, परंतु समझते हैं यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं, नई दुनिया में नया भारत राम राज्य हो, मनुष्य फिर इसको ही नया समझ रहे हैं, यह तो ड्रामा है, इस समय माया का पिछाड़ी का पॉम्प है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य कोई राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता है, सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए, यह राजयोग है। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, यह तो परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। पतित पावन वह बाप है, सारे विश्व को हेविन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला है। यह भारत पहले सुख धाम था, आते तो सब शांति धाम से हैं। अहम आत्मा पहले शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। यह चक्र अर्थात बाजौली का खेल है। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। सेकेंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षे का लायक हो गया, माँ के गर्भ से निकला और वर्षा लिया, यह भी सेकेंड की बात है। जनक को सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली ना, तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, तुम अमर लोक के मालिक बनते हो। यह है मृत्यु लोक, तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं, यहाँ तो अकाल मृत्यु हो जाता है। अब तुम काल पर विजय पाते हो, बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए यह चित्र बनाए हैं। यह पाठशाला है, कौन पढ़ाते हैं? भगवानुवाच, कृष्ण नहीं पढ़ाते, ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वह तो परमपिता परमात्मा है, वही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम हो ज्ञान गंगाए, देवताओं में तो यह ज्ञान होता ही नहीं, तुम ब्राह्मणों में ही यह ज्ञान है त्रिकालदर्शी पने का। तुम ही इस समय यह ज्ञान सीख कर वर्षा पाते हो, राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे, वहां तुमको साक्षात्कार होगा, तो यह पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे, सर्प का मिसाल। यह सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है, यही भारत पहले शिवालय था, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था, जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण फिर वैश्यालय बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। तुम जानते हो
रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। देहली पर पहले गौड़ गौड़ेज लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु फिर भूल गए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, मुख मीठा कर देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होता था। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो, यह काम एक ही बाप का है। बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को हीरे जवारों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था, कला कमती होनी ही थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके क्योंकि है ही गिरती कला का समय। इस समय तुम सबसे ऊंच ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ किया? बच्चे कहते बाबा आपके ही मंदिर बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। बाबा कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हूँ, पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु भी हूँ। तुमको साथ ले जाऊँगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इन नेत्रों से इस बाबा को देखते हो। शुभ बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है, वर्षा शुभ बाबा से मिलता है। इस ब्रह्मा को भी वर्षा शुभ बाबा से मिल रहा है, ऊंचे ते ऊंचा है ही शुभ बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए हैं, 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का खेल, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकज भूल कर दी है। यह भी ड्रामा है, सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है, फिर दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है लौकिक बाप। जन्म बाई जन्म दो बाप मिलते हैं, इस एक ही समय पर तीन बाप मिलते हैं, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी दो प्रकार का है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते हो। वह है हट योग, यह ही राजयोग। हट योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो देह अभिमान का बड़ा कांटा है, उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है, देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है, आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। आज का वरदान है परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। विश्लेषण है, परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी है जो उसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब यानी युक्ति। देखो, परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकरर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें? इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है, सिर्फ पांच विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मना मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूँगा और परमधाम में ले चलूँगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना ही सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है, यहाँ फारकती की कोई बात नहीं। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई करनी है। यह विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोक लाज मर्यादा तो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना, हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम उस बख्तावर की संतान हैं, वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों न विद ऑनर्स पास हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है यह बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगाए कि हम उनके बच्चे वारिस हैं,
फिर जाए फारकती दे देवे, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो ऊंच पद, गिरे तो भस्मासुर हो पड़ते हैं। अब यह याद रखना, किसके साथ हमारा संबंध है। जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।